हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे रिवीजन, आज हमारी रहेगी रिवीजन क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे 30th of May से लेके 5th of June का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जो जो हमने किया था हम वही सब करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन बन के आ सकता है और आपका आंसर क्या रहेगा। कोई कोई न्यूज़ ऐसी होगी जिसमें क्या है, दो तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक ये बता रखा है तो वो पूछ रखा होगा, वो बता रखा है ये पूछ रखा होगा, लाइक दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम अभी 30th of May से लेके शुरू कर रहे हैं, तो हम लाइन वाइज करेंगे। 30th of May का न्यूज़, 31st का, फिर 1st of June, 2nd, 3rd, 4th and 5th। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस। 30th of May को कोई भी ऐसा दिन नहीं है सच कि जो हम सेलिब्रेट करते हैं। 31st को येस, इट इज़ अ वर्ड टबैको, नो टबैको डे। क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंपल, कि वर्ड नो टबैको डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 31st of May को, और ये रिकॉग्नाइज कौन करता है, WHO और ग्लोबल पार्टनर्स। WHO के ऊपर सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इट इज़ इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, और इसके डायरेक्टर जनरल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जिनका नाम है टेड्रोस। देन क्वेश्चन बनेगी कि किन के लिए गवर्नमेंट ने क्या है पेंशन स्कीम शुरू करी है, इट इज़ फॉर कोविड विक्टम्स। ये एज सच इसमें कोई बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बन रहा है फाइव से। देन PM मोदी जी ने कितना PM केयर्स फंड अनाउंस किया है उन बच्चों के लिए, दोज हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड, जो बच्चे अपने कोविड के वजह से अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, उनके लिए कितने रुपीज़ का PM केयर्स फंड अनाउंस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो आंसर रहेगा आपका रुपीज़ 10 लाख। देन GST काउंसिल ने कितने मेंबर्स की पैनल बिठाया है ये देखने के लिए कि कोविड मटेरियल के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं, तो आपका आंसर रहेगा 8। या ये पूछ सकते हैं कि जो 8 मेंबर पैनल बैठा है उसके हेड कौन रहेंगे, वो आपके रहेंगे मेघालय के CM कॉनराड के संगमा। आगे है NSA डोवल कमीशन्स इंडिया कोस्ट गार्ड शिप सजग। NSA जो अजीत डोवल है, उन्होंने कौन सा नेवी को कौन सा शिप दिया है, शिप सजग, ठीक है। ICG पूछ आपसे, डायरेक्टर जनरल पूछ सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का कौन है, इट इज़ कृष्णा स्वामी नटराजन। ICG का वो हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं, इट इज़ इन न्यू दिल्ली। देन यंग वॉरियर मूवमेंट किसने लॉन्च करी है, CBSE ने। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, यंग वॉरियर मूवमेंट COVID-19 से लड़ने के लिए किसने लॉन्च करी है, CBSE ने। देन सिंपल पूछेंगे UEFA चैम्पियन लीग फाइनल किसने जीता है, इट इज़ चेल्सिया फुटबॉल क्लब। 51 kg कैटेगरी में जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, दुबई में, उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है, हमारी मैरी कॉम ने। और गोल्ड मेडल किसने जीता है ये भी पूछ सकते हैं, नाजियाम कजायबे, ये पूछ सकते हैं कि जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 51 kg कैटेगरी में, वो कहाँ से हैं, शी इज़ फ्रॉम कजाकिस्तान। देन ये पूछ सकते हैं 75 kg कैटेगरी में जो हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप दुबई में, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, वो हमारी पूजा रानी ने। देन अ बुक टाइटल ये पूछेंगे, सिंपल लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ SS 2003 टू 2020 किसके द्वारा लिखी गई है, सलमान रुश्दे। हाँ, कौन से बॉलीवुड एक्टर को रिसेंटली UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है, आंसर विल बी संजय दत्त। UAE की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी आपकी दिरहम। देन यस माउंट, हाँ, कौन सा अभी अभी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वॉलकैनो इरप्ट हुआ है, दैट इज़ माउंट नियारोगोंगो, ठीक है। प्रेसिडेंट PM आप देख लेना, कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ाविल एंड करेंसी फ्रैंक। सो दीज वर आर न्यूज़ ऑफ 30 and 31st of May। अब हम शुरू करें जून से। यस, जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, एक तो वर्ल्ड मिल्क डे, और इस बार का थीम क्या रहा, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। देन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी हम कौन से, ये भी 1st June को ही सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्वेश्चन बिल्कुल ये पूछेंगे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है या इसका थीम क्या रहा इस बार, सेम एज मिल्क डे के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, अंकुर स्कीम किस स्टेट की है, इट इज़ ऑफ मध्य प्रदेश। देन कौन CII के नए प्रेजिडेंट बने हैं, टाटा स्टील के TV नरेंद्रन। किस पुणे बेस्ड बैंक का RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है, शिवाजीराव भोसाले सहकारी बैंक। देन
सीबीडीटी मेंबर जेबी मोहपत्रा को किस चीज़ का एडिशनल चार्ज मिला है? चेयरमैन का। या सिंपल पूछेंगे सीबीडीटी के एडिशनल चेयरमैन का एडिशनल चार्ज किनको मिला है? जेबी मोहपत्रा को। देन डिफेंडर 21 वॉर मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कंडक्ट कर रहा है? नाटो। या कहाँ पे हो रही है? यूरोप में। सिंपल। देन किसने मेडलाइफ को अक्वायर कर लिया है इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए? फार्म इजी ने। या फार्म इजी ने किसको अक्वायर किया है ये पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, किसको WHO का डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने टबैको को कंट्रोल किया है? किनको मिला है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को। देन आपसे पूछेंगे रवि शास्त्री जिनकी बुक है स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ वो कौन है? क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर एंड कोच। या सिंपल पूछेंगे स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ किसकी बुक है? रवि शास्त्री की। या ये पूछेंगे इसको कोऑथर किसने किया है? अयाज मैमोन ने। देन सिंपल सावरकर किसकी बुक है? विक्रम सांपात की। कौन सी IIT ने स्मार्ट विंडोज़ को डिज़ाइन किया है कार्बन एमिशंस को कट करने के लिए? दैट इज़ IIT गुवाहाटी। स्मार्ट विंडोज़ IIT गुवाहाटी। देन किसने नैनो यूरिया को इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फार्मर्स अक्रॉस वर्ल्ड? किसने इंट्रोड्यूस किया है? IFFCO ने। क्या सिंपल पूछेंगे इन्होंने क्या चीज़ वर्ल्ड की फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है फॉर फार्मर्स? दैट इज़ नैनो यूरिया। देन दानिश के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था पॉल ही हैज़ पास्ड अवे। सिंपल, दानिश के प्राइम मिनिस्टर जिनका निधन हो गया है उनका नाम इट इज़ पॉल स्क्लूटर। या TCS अपना फर्स्ट ईयर ओपन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोलने जा रहा है? एम्स्टरडैम नीदरलैंड में। TCS का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, नीदरलैंड की कैपिटल इट्स एम्स्टरडैम और करेंसी यूरो। सो ये हमारा क्या था, हमारा दिस वॉज आर 1 जून का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे आई हैव टोल्ड यू। अब हम करेंगे 2 जून का। हाँ, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? आंसर बनेगा नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। देन कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बॉडी है जिन्होंने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को क्या है ज्वाइन किया है? इट इज़ RDSO, RDSO पार्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। थर्ड, कोविड वेरिएंट्स जो इंडिया में मिल रहे हैं WHO ने उनका नाम क्या रखा है? कप्पा डेल्टा। आंसर आपका ये बनेगा। देन पूछेंगे न्यू चेयरपर्सन NHRC के कौन बने हैं? आंसर क्या रहेगा? अरुण कुमार मिश्रा जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। देन मैग्मा फिनकॉर्प ने किनको अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है? आंसर विल बी आधार पूनावाला। देन डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी कौन बना है? रुवनीत सिंह। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पूछ सकते हैं आपसे करमबीर सिंह। हाँ, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? इट इज़ बिक्रमजीत सेन। कौन सी IIT ने MB टैग को क्या है डेवलप किया है जो टेम्परेचर को नोट करेगा थ्रू आउट द वे? दैट इज़ IIT रोपड़। पीछे अभी हमने क्या देखा, IIT गुवाहाटी ने क्या है स्मार्ट विंडोज़ को लॉन्च किया है ताकि वो कार्बन इमिशंस को कट कर सकें। और MB टैग किसने डेवलप किया है? IIT रोपड़। दिस विल बी योर आंसर। देन किसने एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की 91 kg वेट वाली कैटेगरी में गोल्ड मेडल वन किया है? इट इज़ इंडियाज संजीत कुमार जो हरियाणा से हैं। ठीक है, तीन तरह की हमने कैटेगरीज देखी हैं एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। एक तो मैरीकॉम वाली थी 51 kg, शी हैज़ वन द सिल्वर मेडल। और आगे हमने देखी थी 75 kg वाली जिसमें पूजा रानी ने गोल्ड मेडल वन किया था। ये है आपकी 91 kg कैटेगरी जिसमें इंडिया के ही संजीत कुमार ने गोल्ड मेडल वन किया है। फिर आपसे पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यंगेस्ट मेंबर कौन था? ये देखो, अभी आपको लगेगा कि ये स्टैटिक न्यूज़ है लेकिन रियलिटी क्या है, दिस न्यूज़ हैज़ टेकन फ्रॉम द करंट पार्ट। क्योंकि अभी उनकी डेथ हो गई है तो उन्होंने इनडायरेक्टली सिंपल पूछ लिया हु वॉज द यंगेस्ट मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज TM कालियानन और उनका अभी क्या है, ही हैज़ पास्ड अवे। फिर आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कब वर्ल्ड NTD डे सेलिब्रेट करने की बात करी है? 30 जनवरी को क्या है, हम वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज डे को सेलिब्रेट करेंगे। आगे है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आ चुकी हैं उसके फर्स्ट रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की एक फर्स्ट
पोजीशन पे आ रही है कौन सी, IIM अहमदाबाद, ग्लोबली उसका रैंक क्या है 415। दूसरे पिट इज़ IIS बेंगलुरु 459 पोजीशन पे। सो दिस वॉज आर 2nd of June का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी हम देखेंगे 3rd of June के क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनेंगे। प्रेजिडेंट इसराइल के नए प्रेजिडेंट कौन बने हैं, इज़ाक हर्ज़ोग। कहाँ पे H10N3 बर्ड फ्लू का ह्यूमन केस पाया गया, चाइना में। कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के, जनरल प्रदीप चंद्रन, PC नायर, याद रखना PC नायर असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं। या सिंपल पूछेंगे असम राइफल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शिलोंग मेघालय में। आगे है CCMB के डायरेक्टर कौन बने हैं, डॉक्टर विनय के नंदीकुरी, नंदीकुरी याद रखना आप, ठीक है। CCMB के नंदीकुरी क्या हैं, डायरेक्टर बने हैं। जो WHO एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन जो थे, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन अभी कौन थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन अभी कौन हो रहे हैं, उनका अभी क्या है टाइम ख़त्म हो, टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तो अभी कौन बन रहे हैं, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये कहाँ से हैं, कीनिया से, कीनिया की कैपिटल पूछी जाएगी, नैरोबी करेंसी है केनियन शिलिंग। देन किसको बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन चुना गया है, अमूल्स RS सोधी को। फिर ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ कंपेनियनशिप करी है टू ऑटोमेट ऑडिट्स ऑफ सर्विसेज कॉल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी, बीजिंग चाइना में। एक्सरे सेतु ने क्या चीज़ डेवलप करी है कि, हाँ किसने ये चीज़ डेवलप करी है कि वो व्हाट्सएप के थ्रू कोविड को डिटेक्ट करेगी रूरल पॉपुलेशन की, एक्सरे सेतु आपका इसका आंसर रहेगा। फिर जो इस बार की ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी उसके चेयरमैन कौन रहे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SJ शंकर। और 13th ब्रिक्स समिट जो होने जा रही है 2021 में, उसको कौन होस्ट करेगा, हमारा प्यारा इंडिया। देन ICICI ने मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम्स को कितना बढ़ाने की बात करी है, 14। आगे है माइक्रोसॉफ्ट, हाँ कौन एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च कर रहा है, आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट्सएप ने इंडिया के लिए किसको ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट किया है, परेश बी लाल को। फिर 3rd of June का सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, वी सेलिब्रेट 3rd of June एज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। सो अभी हमने क्वेश्चंस कवर किए कि 3rd of June के कैसे बनेंगे, अभी हम देखेंगे 4th and 5th का। 4th of June आपसे सिंपल पूछा जाएगा, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 4th of June को। या पूछा जाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5th of June को। या पूछेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट का डे का थीम क्या रहा इस बार, दैट इज़ री इमेजिन रिक्रिएट एंड री स्टोर। आगे है किनके बीच में इंडिया ने किसके साथ MOC साइन किया है फॉर अर्बन डेवलपमेंट, कौन सी कंट्री के साथ किया है, जापान के साथ। फिर किसने अलोंग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है, दैट इज़ चाइना। या चाइना ने LAC के अलोंग कौन सा सिस्टम डेवलप किया है, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मी और एयर डिफेंस दोनों ही वहाँ पे हैं। देन कौन है, कौन बेस्ट मेगा फूड पार्क को छत्तीसगढ़ में इनोग्रेट कर रहा है, दैट इज़ आर एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। या आपसे ये पूछेंगे नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ पे इन दिस बेस्ट मेगा फूड पार्क को इनोग्रेट कर रहे हैं, अगेन आंसर विल बी छत्तीसगढ़। देन IEEE ने किसके साथ टाइप किया है कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन के लिए, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ। या ये पूछेंगे महिंद्रा रूरल फाइनेंसिंग ने किसके साथ टाइप किया है, IEEE के साथ। या IEEE एंड महिंद्रा ने किस चीज़ के लिए टाइप किया है, फॉर कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन। अभी बात होने जा रही है कि कौन सा ऐसा शिप है जिसको डीकमीशन किया जा रहा है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड के ऊपर, दैट इज संध्यक, बिकॉज इट हैज़ सर्व्ड फॉर 40 ईयर्स इन इंडियन नेवी। देन नीति आयोग के SDG रैंक में कौन सी स्टेट टॉप पे है, इट इज़ केरला। फिर आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो मेंस टीम है वो कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। बिल गेट्स एंड यूरोपियन यूनियंस ने कितना पैसा बूस्ट करने की बात करी है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, $1 बिलियन।
या ये पूछेंगे कि बिल गेट्स ने किसके साथ मिलके या यूरोपियन यूनियन ने किसके साथ मिलके इसकी बात करी है। तो आपको बिल गेट्स, यूरोपियन यूनियन और डॉलर 1 बिलियन को याद रखना है। ये भी याद रखना है किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं, विवेक राम चौधरी। और अगर मैं वैसे बात करूं कि एयर चीफ कौन है हमारे, तो दैट इज़ आर के सिंह भदूरिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, आंसर विल बी नितिन राकेशन जेरी विंड। या ये पूछेंगे किस बुक के लिए आप इन लोगों को ये अवार्ड मिला है, तो आंसर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। फिर आपसे पूछा या ये पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसको मिला है, इट हैज़ वन बाय डेविड डियोप। या ये पूछेंगे कि किस चीज़ के लिए, इनके ट्रांसलेटेड फिक्शन एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। कौन सा IIT एशिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप होस्ट करने जा रहा है, एशिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ वर्कशॉप, दैट इज़ IIT मद्रास। आगे है, किसने अपने करियर का 83rd टाइटल वन किया है बेलग्रेड ओपन में, इट इज़ नोवाक जोकोविक। ये कहाँ से है, सर्बिया से है। कौन सा ऐसा बैंक बना है ग्लोबली, सेकंड बैंक, जो स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, आंसर विल बी ICICI बैंक। हाँ, बल स्वराज पोर्टल किन के लिए है, जो बच्चे COVID-19 की वजह से अफेक्ट हुए हैं, और ये किसने लॉन्च किया है, NCPCR ने, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सेग पोर्टल को लॉन्च कर रहा है, हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर थावरचंद गहलोत। किन के लिए है, ओल्ड एज पीपल के लिए। हिसाब की किताब किन के द्वारा लॉन्च करी जा रही है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। हिसाब की किताब 6 मॉड्यूल्स एंड शॉर्ट फिल्म के उसके टाइटल क्या है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। आगे है, ये क्वेश्चन वैसे चलो स्टिल यू नीड टू रिमेंबर, कि विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट को रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसने दी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। किसको दी है, वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट कौन सा है, हिडलबर्ग सीमेंट, कहाँ पे, स्वीडन। इन्होंने क्या कहा है कि बाई 2020 ये CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाएंगे। स्वीडन की कैपिटल पूछ ले तो स्टॉकहोम, करेंसी करोना। इंडिया की कौन सी ऐसी थर्ड IT फर्म बनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन हो चुकी है, दैट इज़ विप्रो। किनके बाद, TCS एंड इन्फोसिस के बाद। लास्ट आपका रहेगा कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के साथ सिक्किम की रोड्स को अपग्रेड करने के लिए कितना लोन दिया है, $2.5 मिलियन, ठीक है। ADB के मेंबर्स पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर्स मेनली आपका ये बैंकिंग में रह सकता है, प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1966 में। यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी फीलिंग लाइक कि ये तो एकदम से जल्दी जल्दी हो गया, इस चीज़ के लिए आपको पहले जो ये डेली की न्यूज़ है उसके गो थ्रू होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दीज न्यूज़ बेटर। ओके, बाय बाय।